पैसों के लट्टू न बनो। पैसे और दौलत बकदर इज्जत अल्लाह अता करेगा, इससे घबराओ नहीं, अल्लाह भूखा नहीं मारेगा। आपको नबियों के उलूम के लिए मुंतखब किया है, आपके साए में हजारों खाएंगे। जिस सरजमीन पर आप कदम रखेंगे अल्लाह की नुसरत और मदद साथ होगी, फजल और एहसान की बारिश होगी, मगर अपना रास्ता न छोड़ना। अपनों के नक्शे कदम पर हो मरना या जीना, वयरहमुल्लाहु अब्दन काला अमीना। हम भी मुल्कों के सफर कर सकते हैं, बड़े बड़े अमरीकों से 10-10 आदमियों के टिकट समेत करोड़ों की पेशकशें होती है कि आप आए। मैंने कहा यह हो सकता है कि मैं जिंदा रहूं और अक्सर लुलूम में तफसीर ना हूं। तौबा तौबा। जब शाह मंसूर मौलाना फौत हो गए तो उनका बेटा बैठ गया, जब पंचपीर मौलाना फौत हो गए तो उनका बेटा बैठ गया, जब हाफिजुल हदीस दरखास्ती फौत हो गए तो पता नहीं कोई बैठ गए या सारे लेट गए, क्योंकि वो पीर हो गए, पीर साहिबान है। मौलवी पर जब सवाल आता है इलम का तो वो पीर बनता है। पीरी मुरीदी की बुनियाद ठगी पर है, याद रखना, पैसा बटोरने पर है। इसके साथ इलम, इलम के साथ ये नहीं चलेगा। हाफिजुल अजीज दरखास्ती के दर्स में शेर अली शाह जैसे तालिब इलम बैठते थे, आज उनके बेटे सब चंदों के लिए निकले हुए, चंदों के लिए निकले। शाह पूरे जहान से चंदे जमा हो रहे और हर एक अपनी जगह हकीकी जानशीन इल्मी जानशीन, हर एक हकीकी जानशीन इल्मी जानशीन। चंद है जानशीन कौन है? अपनी जगह बैठो, दर्श दो अपने अब्बा और दादे और नाने की तरह, पैसे अल्लाह भेजेगा। खुदा की कसम मौलाना अब्दुल्ला दरखास्ती की लिल्लाहियत और तवक्कुल मुसल्लमत मुसल्लम। एक शागिर्द ने 300 रुपए के हदिया पेश किया, 300 थोड़े हैं, ये तो थोड़े हैं, दो बीबियां हैं, खर्चा बहुत ज्यादा है। ये लिल्लाहियत है, ये सदाकत और हक्कानियत, याद रखना। उन्हें क्या कमी थी जिनकी अमारत के नीचे मुफ्ती महमूद जैसे आफाकी इमाम काम करते थे। हजरत उस्ताद मौलाना यूसुफ बन्नूरी मरहूम, उनके उनसे इल्मी तौर पर नहीं बनती थी, उनके तफक्कों पर मोतरस थे, लेकिन जब भुट्टो हुकूमत ने दरखास्ती को गिरफ्तार किया तो हजरत बन्नूरी ने मस्जिद में तालिब इल्मों को जमा किया, बन्नूरी टाउन में। आयत करीमा पढ़वाई, खत्म बुखारी कराया, कुरान मजीद पढ़वाया, फिर मेंबर पर बैठकर तकरीर की और इस तरह तकरीर की कि मौलाना अब्दुल्ला दरखास्ती आखिरत के आदमी है, वो दुनिया के आदमी नहीं। फिर फरमाया वो साथियों की रिफाकत में और वफादारी में एक सियासी जमात में काम कर रहा है, उनका ये मिजाज नहीं है, खालिस इलम तकवा परहेजगारी का आदमी है। फिर फरमाया भुट्टो ने बहुत उलमा को सजाएं दी लेकिन दरखास्ती की गिरफ्तारी महंगी पड़ेगी। उसी साल भुट्टो गिरफ्तार हुआ, हुकूमत खत्म हो गई, जिसमें लोग उसी साल हजरत बन्नूरी ने मेंबर पर तकरीर की। हम हैरान हो गए। कद्र जर जर गर शना सद कद्र जोहर जोहरी, कद्र गुल बुल बुल शना सद कद्र दिल बुल राली। उलमाए किराम बुजुर्गान दीन की आलो औलाद दीन के लिए और मदरसों के लिए चंदे करे, अल्लाह उनको बरकत दे, अल्लाह उनकी हिम्मत मर्दाना कबूल फरमाए। आसान नहीं है सफर करना, तौबा तौबा। लेकिन हमें तो शिकवा है इस सादे अंजुम से, काम भी तो होना चाहिए। काम हो बेशक, जरूरत हो तो जाना जायज है फिकहन। हमारे बुजुर्गों का तरीका नहीं था, वो बैठे रहते थे, और फकीर वाजिज भी मसनद नशीन है, और सारे जहान से सोना और चांदी और खजाने बरस रहा है, अल्लाह का फजल करम। अल्लाह वो है जो सुलाते हैं तुमको रात को, और वो जानते हैं वो जो तुम काट कमाते हो दिन में, फिर सुम्म यबासुकुम फीह, फिर उठाता है तुमको दिनों में, दिन में उठ जाओ
लियुक्दा अजल मुसम्मा ताकि पूरा हो जाए वक्त मुकर्रा, सुम्मा इलैहि मरजूकुम फिर उसी की तरफ पलटोगे, सुम्मा युनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तअमलून फिर बता देगा तुमको जो तुम अमल करते थे।